हेलो दोस्तों, मैं राजन और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्केल के बारे में, स्टील रूल को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, हमारा ये स्टील रूल है, ये इस पर जो ये ग्रेजुएशन कटी होती है, क्या ग्रेजुएशन होती है, इस पर किस तरह से हम इसका यूज करते हैं, सभी कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम आज इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके चैनल में लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिल सके। तो बोलिए दोस्तों, देखते हैं हम किस तरह से स्टील रूल का यूज करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है हमारा स्टील रूल, ये हमारा इसमें दोनों साइड इस तरह से ग्रेजुएशंस कुछ कटी होती हैं। तो देखेंगे हम इसी में हम किस तरह से ये ग्रेजुएशंस कटी होती हैं, क्या क्या है, किस तरह से हम इसे इन ग्रेजुएशन से हम किस तरह टाइप की हम मेजरमेंट लेते हैं, सभी कुछ देखेंगे हम आज अपनी इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप देखिए हमारा जो स्टील रूल है ये देखिए, इसमें जो सबसे ऊपर आप यहाँ से देख रहे हैं, ये जो ग्रेजुएशंस कटी हुई है ये हमारी सेंटीमीटर्स में कटी हुई है। और आप देखेंगे लास्ट में, ये देखेंगे आप यहाँ तक लास्ट में जाएंगे आप, ये हमारा लास्ट में, ये देखिए यहाँ तक 30 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर 30 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। यानी ये जो हमारी एक एक जो ये लाइन्स है हमारी, यहाँ से 1 से यहाँ 0 से लेके यहाँ 1 तक जो डिस्टेंस है हमारा 1 सेंटीमीटर का है। उसके बाद हम इसमें जो मेजर कर सकते हैं, हम 1 mm तक मेजर कर सकते हैं। 1 mm के बाद इसमें एक और लाइन देखेंगे आप, यहाँ से दिखाता हूँ आपको बारीक से बिल्कुल, आप देखेंगे तो 1 mm के बाद यहाँ से हम ये 0.5, इट मीन्स जो हमारा इसका जैसे वर्नियर का हमारा लीस्ट काउंट होता है, सेम इसी तरह से स्टील रूल का भी लीस्ट काउंट होता है। अभी मेरे हाथ में आप जो ये स्टील रूल देख रहे हैं, इसका लीस्ट काउंट है 0.5, यानी 500 माइक्रोन, 0.5 mm, आधा mm। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो आधा लाइन देख रहे हैं आप, यहाँ से ये आधे mm की एक लाइन है। ये तो है हमारा ऊपर, जो हम इसमें mm और सेंटीमीटर्स को चेक कर सकते हैं, ऊपर वाले जो स्केल है हमारा उससे हम mm और सेंटीमीटर्स को चेक कर सकते हैं। उसके साथ आप नीचे देखेंगे तो नीचे में आप देखेंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो सेम इस तरह से 12 तक दिया हुआ है हमारा। यानी ये 1 फुट हमारा 12 इंच, ये जो हमारा इंचज़ की मेजरमेंट के लिए लिया जाता है हमें, तो ये हमारा दिखा हुआ है यहाँ 12 इंच का हमारा ये स्टील रूल है। 12 इंच मतलब 1 फीट, ये हमारा स्टील रूल है। इसी के साथ आपने देखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से देखने वाली है चीज़ है हमारा इसमें स्टील रूल में, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसमें आपने देखा होगा यहाँ पर, ये देखिए आप 32 लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पर देखिए आप 32, उसके बाद आगे दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर ये देखिए 64 लिखा हुआ है, और आगे दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर ये 16 लिखा हुआ है, 16 ये इस तरह से मेंशन किया हुआ है। तो ये है, होता क्या है एक्चुअल में, ये है क्या, 32 क्या है, 64 क्या है, 16 क्या है, इसके बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो है हमारा जो इंचज की कन्वर्जन, इंचज को हमने शॉर्ट करके बताया गया है इसमें, कि जो हम कन्वर्जन, यानी एक जो आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से 1 इंच ये जो डिस्टेंस है हमारा, 1 इंच का डिस्टेंस है, इसको 32 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 32 पार्ट्स में। सेम यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे 64, जो कि 1/64, यानी ये जो हमारा स्केल दिया हुआ है ये 1/64 का स्केल है। दूसरा ये आपका ये यहाँ पर ये दिया 16, इसका मतलब है हमारा 1/, यानी 1 इंच के 16 हिस्से किया, 1/16 का स्केल है। उसी के साथ एक और स्केल भी, जैसा जैसे आप, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ 5 से लेके 6 इंच तक अगर हम देखें ऊपर से यहाँ से नोट करें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो 8 लाइंस है, 8 लाइंस ही 8 सूत होती हैं, क्योंकि हमारा जो हम सूत में जो हम मेजर करते हैं, सूत की जो कन्वर्जन होती है उसमें हम यही देखते हैं कि 1 इंच में जो हमारे होते हैं 8 सूत होते हैं। तो 8 सूत के लिए जो हमारे ये जो आप ऊपर ये लाइन देख रहे हैं वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो हमारी 1 सूत, 2 सूत, 4 सूत, 5, 6, 7, 8 सूत तक आप इससे मेजर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मेजर करना है कि आपको कोई 1.5 सूत, 2.5 सूत, 3.5 सूत, 4.5 सूत, 5 सूत अगर मेजर करना होगा, तो आपको ये 1/16 वाला स्केल यूज़ करेंगे हम, 1/16 वाला। यानी इसमें हमने क्या किया है, इसमें 1 इंच के 16 हिस्से कर दिए हमने, तो इसमें 1 इंच के 16 हिस्से में हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा, छोटी वाली सबसे कम रो दिख रही है आपको, कम जो कट है ये हमारा आधा सूत का है, आधा सूत, फिर 1 सूत, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, इस तरह से पूरा लास्ट में फाइनल हमारा
8 सूट हो जाएगा। तो ये हमने 1/16 का स्केल होता है। सेम हमारा इसी तरह से 1/64 का है। आगे देखेंगे यहाँ पर 1/32, ये जो हमारा पूरा स्केल हमने इसमें 1/32 यानी 1 इंच के 32 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है हमने 1 इंच को। तो ये हमारा जैसे हमें 1/4 सूट, 1/2 सूट, 1/2, 1/4 सूत अगर हमें इस तरह से देखना है तो हमारा ये 1/32 का यूज़ करते हैं हम। तो देखिए ये तो हमारा है, इसमें ये सारा हमारा मेजरमेंट, ये हमें किस तरह से इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और सूट्स को मेजर कर सकते हैं हम अपने इस स्टील रूल की हेल्प से। उसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ इसे पीछे हमारा ये जो कन्वर्जन दी जाती है, जैसे ये सूट जो इंच है ये सब है क्या, इसकी कन्वर्जन इसकी स्केल के पीछे दी हुई है आप देखेंगे यहाँ से। अब मैं सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करता हूँ इसको, तो आप देखिए ये कन्वर्जन टेबल दी हुई है यहाँ पे। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ से 1 इंच, 1 इंच इक्वल टू इसमें दिया हुआ है 25.4 mm। जो हमारा 1 इंच में जो mm होते हैं वो 25.4 mm होते हैं, 1 इंच में 25.4 mm होते हैं, 1 इंच में 25.4, 2 इंच में 50.8, 3 इंच में 76.2। तो इस तरह से पूरा नीचे तक आप यहाँ पर पूरी कन्वर्जन दी हुई है हमने इसमें, देख सकते हैं आप यहाँ से। कोई अगर आपको कन्वर्जन कोई चाहिए 1 इंच में mm अगर निकालें तो आप इसकी टेबल की हेल्प से यहाँ से आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके साथ आगे देखेंगे, आगे मैं बताता हूँ आपके आगे। आपने देखिए यहाँ पर दिया हुआ 1/2, 1/4, 3/4, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, ये सब चीज़ क्या है हमारा, ये क्या कन्वर्जन है। ये भी सेम वही है हमारी जैसे कि मैंने आपको बताया था सूत की कन्वर्जन बताई थी जो, तो 1/2 ये हमारा 4 सूत, इसको बोलते हैं हम 4 सूत। 1/2 मीन्स 4 सूत, 4 सूत में जो हमारे इंचेज बनेंगे वो 12.700 ये हमारे इंचेज बनते हैं, इसको बोलते हैं हम आधा इंच बोलते हैं या 4 सूत बोलते हैं। इसी तरह से 1/4, 3/4 ये सारा हमारा सूत की कन्वर्जन है। तो आप इसमें हम देख सकते हैं 1 सूत, 2 सूत, जितने में 2.5 सूत, 3, 3.5 सूत में कितनी भी mm होंगे हमारे वो आप यहाँ से चेक करके देख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद मैं बता दूँ आपको यहाँ से, जैसे मैंने आपको स्केल में पीछे दिखाया था मैंने आपको, ये आप देख रहे हैं यहाँ से 1/8, ये जो स्केल आपका 1/8 का है। उसके बाद मैंने एक बताया था पीछे आपको 16 का, ये 16 का स्केल है हमारे यहाँ पर 1/2, ये जो 16 का दिखाया था। उसके बाद मैंने आपको 1/32 का स्केल दिखाया था 1/32, देखिए आप यहाँ से 1/32 की मेजरमेंट आप mm में ले सकते हैं। अगर हमारा सूत में है सूत को कन्वर्ट कर सकते हैं आप मिलीमीटर्स में, सूत को कन्वर्ट कर सकते हैं आप यहाँ से मिलीमीटर्स में, ये लास्ट तक यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे हम स्टील रूल में, इसमें आगे हमारा क्या था यहाँ पर लिखा हुआ है आप टैप ड्रिल। अब जैसे कि हमें अगर टैपिंग की ज़रूरत पड़ती है, हमें टैप करना है, ड्रिल कोई भी होल है हमें उसमें ड्रिल करना है, टैपिंग करनी है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर टैप के बारे में आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले इसमें क्या, देखिए जैसे हमारा 1 mm दिया हुआ है, 1 mm पे हमें 0.75 जो हमारा ये दिया हुआ है, ये mm ये जो है हमारा टैप का साइज़ है, ये जो mm में दिया है हमारा ये mm में टैप का साइज़ है, और उसके साथ में ये जो यहाँ पर mm दिया है ये हमारा ड्रिल का साइज़ है। तो आपको जितना भी mm की टैपिंग करनी है उसमें ड्रिल का साइज़ आपको क्या करना होगा वो पूरी कन्वर्जन दी है। वैसे तो इसके फार्मूलेस होते हैं, आप विदाउट फार्मूले इस स्टील रूल की हेल्प से आप आसानी से उसको देख सकते हैं कि किस तरह से आपको क्या साइज़ में क्या ड्रिल करना होगा। बाकी मैंने बताया आपको इसकी वीडियो मैं आपको बनाई हुई है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले ये तो हमारा हो गया पूरा यहाँ तक ऊपर से इसकी कन्वर्जन्स की क्या है, क्या क्या कन्वर्जन्स होती है। उसके बाद सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको, मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ आज। ये देखेंगे WWUNF। अब देखिए आप ये WWUNF ये क्या चीज़ होती है, इसका क्या मतलब है, तो आज मैं आपको इसमें ये भी बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ तक तो नॉर्मल पता रहता है लेकिन ये WWUNF जो है हमारा ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है, तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि ये किस लिए कटा होता है हमारा। तो इसमें सबसे पहले मेन जो हमारा ये दिखा है ना 1/4, 1/4 इसमें 5.1, 1/4 क्या है और ये mm में दिया हुआ है हमारा, W से मतलब क्या है ये, तो इसके बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको। तो ये जो है हमारा ये जैसे मीट्रिक की थ्रेड होती है और जो ब्रिटिश की थ्रेड होती है उसके लिए हमें ड्रिल साइज़ करने होते हैं, तो सेम ये उसी की कन्वर्जन है। अगर सपोज दैट आपको 1/4 जो 1/4 सूत का, अगर आपको 1/4 का टैपिंग करनी है, मान लीजिए सूत की स्टैपिंग करनी है, 4 सूत की, 2.5 सूत की, 3 सूत, 4 सूत, जितने भी अगर टैपिंग करनी है, सपोज दैट आप देखें यहाँ पर 3/8, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3/8 है हमारा, ये 3/8 अगर आपको ये 3 सूत की टैपिंग करनी है 3/8, तो 3 सूत के लिए अगर सपोज दैट आपके पास ड्रिल जो है वो
इन चीज़ में नहीं है, क्योंकि MM में हम आसानी से हमें मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास जो ड्रिल साइज़ है वो MM है और आपको जो टैपिंग करनी है वो इंचीज में करनी है, तो आपका जो ड्रिल का साइज़ है वो कितना होगा, तो वही कन्वर्जन पूरी हमने यहाँ पर बताई गई है इसमें। अगर आपको 3 सूत की टैपिंग करनी होगी तो आपको ये 8 mm का, आपको मैंने यहाँ दिखाया है, इसमें 3 सूत की टैपिंग करनी है तो 8 mm का ड्रिल करना होगा। इट मीन्स इसमें ये जो पूरी कन्वर्जन दी हुई है ये यही कन्वर्जन है कि इसमें आपको जो इंचज़ की टैपिंग करनी होगी उसके लिए आपको जो ड्रिल का साइज़ MM में क्या होगा, ये हमने WWUNF में हमें दिखाया जाता है। तो आई होप दोस्तों इस स्टील रूल के बारे में जो भी डाउट्स होंगे सभी कुछ हमने क्लियर करेंगे किए होंगे हमने आज अपनी इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तक, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल की नई अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।